नैताद मनो मे तब कथा सुवैकुंठना नैताद मनो मे तब कथा सुवैकुंठना संप्रियते दुरित दुष्टमसाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयै सनार्तम तस्मीन कथम तव गतिं विमिस्वामि दीनः तस्मीन कथम तव गतिं विमिस्वामि दीनः सिसिल भक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताए आम जनता को रिझाना आनंद देना पब्लिकों को आनंद देना और भगवान का संतुष्टि विधान दोनों एक बात नहीं है, संपूर्ण अलग है। अगर आम आदमी को हम थोड़ा आनंद देना चाहे तो ऊपर से मेरे लिए पनिशमेंट ही आएगा, क्योंकि ये आनंद का बहुत सारे व्यवस्था है, चैनल है, यू कैन गेट इट वेरी इजीली। व्हाई नॉट यू गो टू ए टीवी स्टार और रेडियो स्टार, यू कैन गो, अब आनंद ले लो। लेकिन एक साधु का पास आने का मतलब है अप्रकृत जगत का विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त करना, और एक वास्तव साधु का दर्शन का साथ साथ अपने को पवित्र बनाना, ये साइमल्टेनियसली हो जाता है एक ही साथ। हमको हमारा प्यारा श्रीराम प्रभु ने आदेश किया, महाराज कुछ ऐसा नया सुनाओ सुंदर। अप्राकृत जगत का विषय तो नव नवायमन रहता है हर वक्त, अंदर में ऐसा भाव है तो नया ही होता है। जो श्लोक दे के शुरुआत किया था ये श्रील प्रहलाद महाराज जी का श्लोक, स्वयं बताए नृसिंहदेव भगवान का सामने, इसका व्याख्या करने जाए तो समय तो बहुत लगता है, लेकिन जिस्ट इसका मतलब ये है जे प्रभु आपका पास जाना आपका कृपा प्राप्त करने का एक ही रास्ता है। There is a single way, one and single way to get in touch with Supreme Lord। अप्राकृत जगत का भगवान का साथ योगयुक्त तो होने का एक ही रास्ता है, वो है अप्राकृत शब्द ब्रह्मो का सहारा लेना। अप्राकृत शब्द ब्रह्मो का सहारा लेना, हरि कथा होने का साथ साथ ये वास्तव हरि कथा है। हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ये प्रभुपाद का विचार जगत का किसी का नहीं है। ये जो हरि कथा हो रहा है, हाउ यू नो दैट इट इज हरि कथा, मे बी इट इज मेटेरियल साउंड, ये तो हो ही सकता है। ये देखने में हरि कथा का मापिक लग रहा है, बहुत सारे चटपटिया कथा, लेकिन जिसका शरणागति नहीं है, सबमिशन नहीं है, आत्मनिवेदन नहीं है, उसका जवान पे एक भी अप्राकृत शब्द ब्रह्म निकालना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। बहुत सारे विचार है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोला एक कृष्ण नाम जो करता है उसको वैष्णव बोल के जानना, नॉट ए मैटर ऑफ जोक, ये कोई जोक नहीं है। किसका जवान में एक वास्तव हरिनाम शब्द ब्रह्म जीवा में उच्चारण हुआ तो नो इट फॉर श्योर ही इज वैष्णव। कैसे समझोगे? अप्राकृत जगत का बारे में जितना सारे हमारा पास खबर है, जितना सारी इंफॉर्मेशन है, अप्राकृत जगत से जो कृपा आ रहा है सारे गुरु वैष्णव का माध्यम, यू कैन नॉट गेट डायरेक्टली। भगवत गीता कोई डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकता, गुरु वैष्णव का माध्यम। इसलिए गुरुवर्गों का मुखों में सुना है, श्रीमुख में, ये सारे जो वैष्णव है, जितना सारे अप्राकृत वैष्णव है, सिसिल वैखनस गोस्वामी महाराज, सिसिल भक्ति पूरी गोस्वामी महाराज, सिसिल भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी महाराज,
Sridhar Param Puja, Sridhar Goswami Maharaj, they are all transcendental sound box. Aprakrit sound box hai. Aprakrit jagat se jo shabd aa raha hai, through their heart it is exposed in front of you. तुम्हारा सामने एक्सपोज हो जाता है और तुम्हारा कानों में यह सब शब्द आने का एक रास्ता खुल जाता है. ये प्रश्न आता है नवविदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम बोला है, वो तो पक्का बात है, देर इज नो डाउट इन इट. संदर्भ भी में बताया है श्रवण कीर्तन ही भक्ति प्राप्ति करने का रास्ता. बट इज दैट ऑल, इसका बैकग्राउंड में कुछ है कि नहीं? श्रवण कीर्तन करे बस यही, इसका पीछे कुछ रहस्य है कि नहीं? इसका बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताए जो अगर श्रवण कीर्तन ही भगवत प्राप्ति का एकदम रास्ता है तो पक्का ही है, इसमें कोई डाउट नहीं. लेकिन इसका पीछे भी एक रहस्य है, वो क्या है? वो अपराकृत जगत का जो साधु है, गुरु है, उसका कृपा प्राप्त करना. अदरवाइज यू कैन गो ऑन हियरिंग हरिकथा बट यू कैन नॉट डाइजेस्ट. इसका डाइजेस्ट करने का क्षमता नहीं आएगा तुम्हारा अंदर में. ये ओरल रिसेप्शन, ये कान जो है ये ओरल रिसेप्शन. बहुत बार प्रभुपाद जी के सामने कोई भक्त बता, प्रभुपाद इसको हरिकथा कीर्तन करने का व्यवस्था हो जाए, बोल नहीं. पहले वो कीर्तन करते रहे, हरिकथा वो तो हजम नहीं कर पाएगा. इसका जो ओरल रिसेप्शन है, कान है, उसको बांग्ला में बोलता था और कांटा तोयरी हो, और कांटा इसका जो हियरिंग ऑर्गन इसको बनाओ पहले, उसका बाद ये सब अपराकृत जगत का शब्द बोलना. नहीं तो क्या करे? पोपा जी ने बताया अपराकृत जगत का जो दिव्य ज्ञान है, पोपा जी ने बताया दिव्य ज्ञान का मिसयूज करने वाला जो है, दिव्य ज्ञान का मिसयूज करने वाला बहुत है, बहुत है. 99% दे कैन मिसयूज दैट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज व्हिच दे आर गेटिंग फ्रॉम देयर गुरुदेव. अपराकृत जगत का ट्रांसेंडेंटल, अपराकृत शब्द ब्रह्मो, अपराकृत ज्ञान का, अपराकृत जो ज्ञान का, इसका मिसयूज करना, अपना प्रतिष्ठा लाभ के लिए मिसयूज करो. बिलियंस ऑफ डॉलर यू कैन गेट एंड यू कैन डाई लाइक रावण, नो यूज. फाइनल आउटकम कुछ नहीं है तुम्हारा जिंदगी, पूरा विचार करो व्हाट इज द नेट आउटकम, व्हाट इज योर रियलाइजेशन. वी आर लेस इंटरेस्टेड टू हियर अबाउट लेक्चर. हम लोगों का आपका लेक्चर सुनने का कोई टाइम नहीं है. इफ यू हैव एनी डायरेक्ट रियलाइजेशन, अपराकृत कोई अनुभव है, आप जो भजन किया है उसका बारे में बताओ, नहीं तो हमारा लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है. पोपा जी ने बताया थे चौथन मठ का एक नया महाराज, नया सुनाओ. इसका मतलब क्या है? जो अक्सर चर्चा नहीं हुआ करता है, दैट आई मीन. नया सुना मतलब हमको मैन्युफैक्चर नहीं करेगा हरिपका हमारा अंदर में. नया सुना मतलब जो अक्सर चर्चा में नहीं आता वो सुनाओ, सो दैट आई कैन चेंज माय लाइफ. माय डर्टी हार्ट बाय माय डर्टी हार्ट कैन चेंज, आई कैन चेंज माय हार्टी हार्ट, दैट इज कॉल्ड नया हरि कथा. हाँ सुनो, भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी के सामने आज नहीं है, 80 साल पहले, बहुत साल पहले का, 2-4 सन्यासी, बहुत वक्तृता देने वाला है. They can give nice lecture in front of public. वो लोग एक बार चर्चा कर रहा था कोई सन्यासी के बारे में जिसका वक्तृता नहीं आता. कुछ दिन पहले भी एक सन्यासी को हमने थोड़ा बोला, What do you mean? वो भाषण दे सकता है कि you think you have भक्ति? केशव गोस्वामी बोलता था, बोलते थे जे जिसका पास जो चीज नहीं है, मिलता नहीं है, People are so foolish, they are approaching that personality. उसका पास वो चीज नहीं है, उसका पास जाके भीड़ जमाता, माला देता, उल्लू का मापी.
ये काम है अंधा समाज। वो सन्यासी का बारे में चर्चा शुरू किया, ये इतना बड़ा सन्यास लिया, एजुकेशन भी है, हरि कथा के लिए नहीं जाता, क्या है बेकार मठ में पड़ा रहता। ये चर्चा किया दो तीन सन्यासी जो बहुत सुंदर हरि कथा बोल सकता है। अब पहुपात का कानों में ये शब्द आया है, पहुपात लायन का माफिक बोला है, Who are you? तुम कौन हो? इसका बारे में चर्चा करने वाला, तुम्हारा अंदर में क्या है, इसका अंदर में क्या है वो हम जानता है, तुम्हारा कोई राइट नहीं है इसका बारे में चर्चा करो। मतलब क्या है, पोपा जानता है किसका अंदर में मेरे लिए प्यार ज्यादा है, भक्ति ज्यादा है, गुरु भक्ति। कोई लेक्चर दे सकता है, ये इज नॉट द स्टैंडर्ड दैट यू कैन पास, ही इज साधु फुलिश, सब बोका है, मरने के लिए दौड़ रहा है सब। पोपा जानता है ये हरि कथा नहीं बोलने जाता है, लेकिन इसका अंदर में मेरा लिए इतना ट्रिमेंडस लव है, प्यार है, जो श्रीनिवास आचार्य जी ने बताया था, सुंदर श्रीनिवास आचार्य जी ने बताया, जब तक गुरु वैष्णव में तीव्र प्यार नहीं होता तब तक उसको भक्त नहीं बोला जाता है। He can die any time, fall down. Maybe fall down he already done in his life. But he is not exposing it in front of you. हो सकता है। तो इसके बारे में बहुत सारे चर्चा है, हमारा चर्चा करने का टाइम ने अपने दिया है, समय अल्प है, इसलिए प्रहलाद महाराज का ये बात शरण करना, कभी समय मिले तो चर्चा हो सकेगा। नहीं तात मनु में तब कथा सुपई कुंठना संप्रियते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भय सनातम तस्मिन् कथम तव गतिं विमिषामि दीना तस्मिन् कथम तव गतिं विमिषामि दीना। वांछा का पुत्र बोल सके पास इंद्र व्यवस्था पतितानं पावन भवष्णं जय नमो नमः। जय शंकर भगवान महाराज की जय है।